हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक फ़ोन है आईफोन 7 प्लस। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इसका जो कैमरा लेंस है वो पूरी तरीके से टूट गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका कैमरा ग्लास कैमरा लेंस चेंज करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे दोस्तों ये आप कहाँ से बाय कर सकते हैं और ये इसका प्राइस क्या रहेगा, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा किस तरीके से आप विदाउट फ़ोन को ओपन करें आप कैमरा लेंस कैमरा ग्लास चेंज कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसे फिट कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना है। ये रहा दोस्तों हमारा इसका न्यू कैमरा ग्लास। तो आप किस तरीके से इसे बाय कर सकते हैं इस बारे में भी बात करेंगे, इसका प्राइस क्या रहेगा इस बारे में भी बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो अभी दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है दोस्तों, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मदरबोर्ड से रिलेटेड, कैमरा लेंस से रिलेटेड, टच डिस्प्ले फोल्डर से रिलेटेड कोई भी दोस्तों आपके मन में सवाल हो या फिर आपको परचेज करना हो या फिर रेट जानने हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए इस तरीके से आपको हल्का हल्का हीट करके जो पुराना टूटा हुआ ग्लास है वो आपको निकालना है। देख लीजिए इस तरीके से, ये देख लीजिए आसानी से दोस्तों आपको ब्लेड ले लेना है हल्का, आप कोई पतली चीज़ ले लेनी है तो उससे आपको ये देख लीजिए इस तरीके से निकाल देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों विदाउट फ़ोन को ओपन करें आपको हल्का हल्के हाथों से इसको लेंस को निकाल देना है इस तरीके से, क्रैक लेंस जो ग्लास है ये देख लीजिए। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही आप सावधानी से ये जो टूटा हुआ लेंस है वो निकालना है आपको, क्योंकि कैमरे को भी बचाना है हमें दोस्तों। कैमरा भी आपको हल्का हल्का क्लीन, कभी क्या होता है दोस्तों जब कैमरे का ग्लास टूट जाता है तो उसमें धीरे धीरे से डस्ट घुसने लग जाती है तो वो कैमरे के लेंस में आ जाती है तो उसे आपको साफ़ करना है। ये रहा दोस्तों कैमरे का इसका ग्लास। तो काफ़ी जो ग्लास होते हैं दोस्तों उसमें ग्लू लगा हुआ आता है, अगर ग्लू नहीं लगा हुआ आता है तो आपको हल्का हल्का ग्लू लगा लेना है। ये ग्लू दोस्तों जिससे हम फोल्डर में यूज करते हैं वो ग्लू है, आपको हल्का हल्का सा फोल्डर वाला ग्लू लगा लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से दोस्तों, आपको फ़ोन को ओपन नहीं करना है, बाहर से ही आप इसे चेंज कर सकते हैं। वैसे फ़ोन को ओपन करके भी चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बाहर से कैसे चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए तो ये क्लीन करने के बाद आपको अच्छे से और उसके बाद ग्लू लगाने के बाद सिंपली दोस्तों आपको लेंस इस तरीके से लगा देना है। देख लीजिए तो ये हमारा लेंस लग चुका है दोस्तों, ये देख लीजिए एकदम परफेक्ट। और जो ज़्यादा ग्लू है साइड में आपको वो निकाल देना है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम इसके प्राइस की। तो ये मार्केट में आपको दोस्तों होलसेल में आपको मिल जाएगा 100 से 150 तक आपको ये मार्केट में इसका कैमरा ग्लास मिल जाएगा। और आप इसे अगर किसी रिपेयरिंग शॉप में अगर आप रिपेयर करवाते हैं या फिर इसे लगवाते हैं तो आपको 200 से 250 के बीच में आपको ये लग जाएगा। तो इसका प्राइस दोस्तों आपको बता दिया है हमने, तो आप ऑफलाइन आसानी से आपको ये मिल जाएगा कैमरा लेंस कैमरा ग्लास आईफोन 7 प्लस का। तो
और आप इस तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों इसे। ये देख लीजिए लग चुका है हमारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता ही यार दोस्तों, और साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना है। और धन्यवाद।